सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ होली मेकअप ट्यूटोरियल। कैसे करना है होली पे मेकअप, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने अपनी स्किन पे जो टोनर था वो मैंने मॉर्निंग में जब फेस वॉश किया था उसके बाद मैंने यूज़ कर लिया था, तो मैं अभी स्किन पे टोनर नहीं यूज़ करूँगी। यहाँ पे आपके पास अगर टोनर है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का ये फेस सीरम, ठीक है, मैं इसको यूज़ करूँगी। ये लैक्मे एब्सोल्यूट का है, ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले स्किन पे अपने यूज़ करूँगी। तो मैं इसको लगा लेती हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉप लेना है और ऐसे करके अप्लाई करना होता है। उसके अपनी फिंगर की हेल्प से इसको मसाज, मतलब एज अ मसाज कर लेना है, पूरे फेस पे अप्लाई करना है इसको, जिससे आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये सीरम मेरी स्किन में अच्छे से अप्लाई हो गया और आप देख सकते हैं हल्की सी शाइन भी आ गई हमारे फेस पे। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं तो इसको 5 out of 5, मतलब पूरा 5 स्टार देती हूँ। मतलब ये मैं सीरम मेरा, मैं डेली यूज़ करती हूँ इसको, स्पेशली मैं मतलब आफ्टर फेस वॉश मैं इसको यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, इसको मैंने इतना सा लिया हुआ है और इसको अपनी फिंगर की हेल्प से स्किन पे लगाएंगे, फेस पे आई मीन। ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बना देता है। इसको अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये भी हमारा मेबलिन का फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को मैं यूज करने जा रही हूँ यहाँ पे। ये मेबलिन का न्यूयॉर्क ड्रीम सैटिन स्किन SPF 24, ठीक है, तो हमें ये सन प्रोटेक्शन से भी बचाता है, ये हमें सन से प्रोटेक्ट करता है, ये हमें सन से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लूंगी इस तरह से, मैंने इतना सा लिया हुआ है, और इसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से ऐसे टैप टैप करके पूरी स्किन पे, मतलब पूरे फेस पे लगाएंगे, आई, अंडर आई एंड आपको नेक एरिया में यूज, नेक एरिया में भी इसको यूज करना है, जिससे आपकी इवन मतलब जो स्किन का कलर है वो, जो आपका हाईलाइटेड एरिया हो रहा है ना उसमें जो आपका दिखता है सामने से, तो वो एटलीस्ट एक जैसा दिखना चाहिए, इसलिए इसको आपको नेक में भी अप्लाई करना है, नेक में ईयर्स पे आसपास, तो इसको बहुत अच्छे से आपको अप्लाई करना है। इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है। देख सकते हैं स्किन पे कितना चेंज आ गया है। मतलब ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है ये हमारा फाउंडेशन। तो आप अपनी, जैसे आपका स्किन टोन हो ना, आप उसके अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे ये फाउंडेशन भी अप्लाई हो गया है, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरा ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी मेबलिन का ही है, ये आप देख सकते हैं, मेरे को बहुत पसंद है और ये ख़त्म होने वाला है, मैं नेक्स्ट इसका लेने वाली हूँ। और ये भी मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। ये इसका शेड ये है मेबलिन ड्रीम सैटिन स्किन SPF 20-32, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसको भी अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। तो मैं होली के लिए मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़े से जो ब्राइट कलर्स होते हैं मैं उनको यहाँ पे यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगी ये गोल्डन, इससे मैं अपना आईज का बेस पहले बनाऊंगी, ठीक है, तो मैं वो बनाती हूँ।
अप्लाई हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले येलो कलर, आप देख सकते हैं ये मेरा येलो कलर है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी येलो कलर। यहाँ पे यूज करूंगी रेड, ये वाला रेड शेड। बाद में नेक्स्ट जो शेड यूज करने वाली हूं वो है हमारा ग्रीन, मैं ग्रीन शेड यूज करूंगी। अब मैं यहां पे लूंगी थोड़ा सा ब्राउन शेड, उससे मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी। मैं यहां पे लूंगी ब्लैक, ब्लैक शेड लेके इसका जो कॉर्नर है ना मैं वहां पे लगाऊंगी इसको। कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसको सेट करेंगे। इसके बाद हम यहां पे यूज करेंगे कलर वार का आईलाइनर। एक सेकेंड, बाद हम ये रेड शेड लेके थोड़ा सा इसको लोअर आई लैशेस में लगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कलर वार का काजल। इसके बाद इसी कलर वार आईलाइनर की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा मतलब इसकी बाउंड्री लाइन बनाऊंगी काजल की, जिससे कि काजल बिल्कुल भी और थोड़ा डार्क भी दिखने लगेगा एंड फैलेगा भी नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कलर वार का ही मस्कारा। बाद हम फिल करेंगे अपनी आईब्रोज को, ये हमारी ब्राउन शेड की पेंसिल है, इसको मैं यूज करके अपनी आईब्रोज को सेट करूंगी। बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कलर वार की ही लिपस्टिक, इसका शेड नंबर 2 है, इसको हम लगाएंगे। एक्चुअली हमारे लिप्स पे मतलब ऑलरेडी थोड़े से मॉइस्चराइजर मतलब ऐसा नहीं है, रफ नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा पहले लगाने की जरूरत नहीं थी कि मैं वैसलीन जो भी लगाते हैं आप मॉइस्चर के लिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिपस्टिक को ही अप्लाई करूंगी। होली का फेस्टिवल है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैंने ब्राइट कलर ही यूज किया लिपस्टिक में भी, और उसके बाद बस मेरा लास्ट बचता है बिंदी जो मैं लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी बिल्कुल छोटी सी बिंदी, ये मरून कलर की, मरून थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी अभी ब्लू बिंदी डायमंड शेप में। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लू बिंदी लगाई हुई है। एक्चुअल में जिस कलर का मेरे को ड्रेस मतलब मल्टी कलर ड्रेस पहननी है इसलिए, तो उसके साथ मैं तो यहाँ पे होली का फेस्टिवल है इसलिए मैं यहाँ पे पेयर करूंगी ये मल्टी कलर इयर रिंग्स। तो यहाँ पे होली का फेस्टिवल है तो यहाँ पे मैं मल्टी कलर ही टिक-टिक पिन यूज करूंगी। जो टिक-टिक पिन है वो हमारी कलरफुल है तो मैं इनको यूज करूंगी यहाँ पे। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप हेयर ओपन रखना चाहते हैं या हेयर को वन बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि होली का फेस्टिवल होता है इसलिए आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा हेयर वन बना लीजिए। तो आप इस तरह से अपने हेयर्स को डेकोरेट कर सकते हैं टिक-टैक पिन से, आप कुछ और यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टी कलर यहाँ पे यूज कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं पहनूंगी ये मल्टी कलर बैंगल्स,
कुछ इस तरह से। और यहाँ पे यूज करूँ आज मैं पहनू पहना है मैंने यहाँ पे व्हाइट सूट, ये अप टू बॉटम पूरा व्हाइट है। और उसके साथ मैं यहाँ पे वेयर करूंगी ये मल्टी कलर दुपट्टा कुछ इस तरह से। और आप चाहे तो इसको साइड में ले सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे रखिएगा इसको। मेरा आज का वीडियो, अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज एक लाइक करके जरूर जाइएगा। एंड अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फ्रेंड एंड फैमिली तक जरूर उसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।